उम्मीद है जल्दी, अगर चार्जशीट नहीं आई तो मैं कोशिश कर रहा हूं इस केस को उत्तर प्रदेश से हरियाणा में ट्रांसफर कराऊंगा, कानूनी है। लेकिन उसको इंप्लीमेंट करना कि कैसे मेरा मकसद पूरा हो, कानूनी जो मेरा मकसद है वो एक समझदार और जो दांव पेच लड़ाने वाला वकील है, जिसको प्रैक्टिस कहते हैं, जिसको जो क्रिमिनल चीजें में निकला हुआ है, जो क्रिमिनल केसेस को निकला हुआ है, दूसरे केसेस में निकला, उस जो तजुर्बा होल्डर है, जो एक्सपीरियंस होल्डर है, उसको पता है ये कौन सी बीमारी है। और ये बीमारी हमने पहले भी काटी थी, और उस जब हमने पहले ये बीमारी काटी थी किसी और मरीज की, तो उसमें क्या रिजल्ट आए थे, क्या कमियां रही थी, हमने कहां से शुरू किया था, और अगर कौन सा काम हमें करना चाहिए था जो जल्दी हो जाता, कौन सा काम नहीं करना, वो उसका तजुर्बा होता है। ये हर किसी के बस की बात नहीं। मैंने इंटरनेशनल इश्यूज को सोल्व किए, बड़े बड़े मैटर सोल्व किए, ना केवल मालूम है पाकिस्तान के बल्कि मिस्र के, श्रीलंका के, नेपाल के और बहुत सारी कंट्रीज के लोगों को मैंने छुड़ा के भारत से भेजा है। मुझे पता है कौन सी बीमारी कहां से क्या होती है। तो मैंने जो कानूनी जाल बिछाया है, उस कानूनी जाल में आपको यकीन नहीं होगा कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इसका मुंह बोला भैया इनको फंसने देगा। मैं समझता था शायद इसको अकल होगी, कानूनी अकल, ये इसको फंसने नहीं देगा। लेकिन मेरी तिकड़ी में इसने सीमा हैदर को और सचिन को तो फंसाया फंसाया, सबसे पहले अपनी खुद की गर्दन फंसा ली, सबसे पहले अपनी खुद की गर्दन फंसा ली और फिर उनको भी फंसा दिया। तो जो मेरी एक चाल थी, लीगल चाल, एक लीगल मैंने स्टेप लिए थे, उसमें मैं तो समझ रहा था कि एपीसी की इनको बचा लेगा, लेकिन पहले वो खुद ही फंस गया आके, उसकी गर्दन अच्छी तरह फंस चुकी है, और फिर वो सीमा फंसी, सीमा को भी फंसा दिया, सचिन को भी फंसा दिया। अब जो हमारे केस खिलाफ केस लगाया है उसमें सीमा का एफिडेविट है कि मैं सचिन की वाइफ हूं, बिल्कुल और जब जमानत ली उसी कोर्ट से, उसमें कहती है कि मैं गुलाम हैदर की वाइफ हूं, तो फंस गई ना खुद ही। बिल्कुल सर हमें इस केस को प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ी, खुद का एफिडेविट दे के खुद ही प्रूव कर दिया, तो फंस गई। अब लोग जो, अब रहा सवाल लोगों का, तो लोग तो ये समझते हैं बटन दबाया काम हो गया। नहीं, देखिए भारत की जो न्याय व्यवस्था है बहुत अच्छी न्याय व्यवस्था है, न्याय प्रणाली बहुत अच्छी न्याय प्रणाली है। यहां पर समय लगता है क्योंकि हर दूसरा आदमी कोर्ट में केस फाइल कर रहा है आज के टाइम में, भाई का झगड़ा भाई के साथ, बहन का झगड़ा बहन के साथ, ये दुनिया में हर जगह हो रहा है, भारत में नहीं। कहीं प्रॉपर्टी का विवाद, कहीं पैसों का विवाद, कहीं जो है बाप के मरने के बाद जो प्रॉपर्टी बची वो हक नहीं मिला, कहीं उसका विवाद, मियां बीवी में झगड़े, और दुनिया तो हमारे भारत की अदालतों में बहुत सारे केसेस का बर्डन है। ये कोई सीमा हैदर और गुलाम हैदर का केस नहीं है, हमारे भारतीयों के केस है। हमारे भारतीय न्यायालयों की जो लिस्ट है वो भरी पड़ी है, चार चार छह छह महीने से पहले कोई नंबर आता ही नहीं, इतनी नंबर ऑफ जजेस, जजेस भी क्या करें, एक एक दिन में 500 500 मुकदमे सुनते सर हैं, ये क्या करें मतलब एक बताओ। लेटर रोड और जो मैंने किया है, मैंने अपनी सारा लीगल काम जो बनता था वो सारा लीगल काम मैं कर चुका हूं, क्योंकि लोग सिविल लोग हैं, वो आम लोग हैं, उनको कानून की समझ सर नहीं है, जहां जहां अदालतों में उनको कानून सर जहां पाकिस्तान में भी इस तरह की लिटिगेशन बहुत है, लेकिन आप नहीं समझते कि जहां अदालतों में मुकदमात की भरमार हो तो वहां हुकूमत माशरा लोग उनको इंसाफ नहीं मिल रहा होता, तभी तो लोग अदालतों की तरफ आते हैं। इसका मतलब ये है कि वहां लोगों को बहुत कम इंसाफ मिलता है, लोग फिर इंसाफ लेने के लिए अदालत आते हैं। आप ये नहीं समझते जिस तरह आप खुद बता रहे हैं कि मुकदमात की भरमार है, छह छह महीने की डेट आती है, लाखों हजारों केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि इंसाफ तो सर मिलता भी होगा तो ताखिर से मिलता होगा, अगर इंसाफ मिल रहा होता वक्त पर नहीं तो अदालतों में केसेस जाते ही नहीं। नहीं 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 इंसाफ, देखो इंसाफ मिलता है लेकिन इंसाफ दिलाने वाला चाहिए, सर क्यों अदालत नहीं से नहीं, करता इंसाफ अदालत नहीं से मिलता नहीं, है, अदालत इंसाफ से नहीं मिलता कर रहा, सर मैं अदालत से नहीं कर रहा। मेरा सवाल ये था जो हमारे जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट होते हैं,
कि किसी को, किसी का पानी का मसला, किसी का डकैती का मसला, किसी का हजारों मसले मसले हैं, लैंड के मसले हैं, प्रॉपर्टीज के मसले हैं। तो अगर जो जिम्मेदारी बनती है, हमारे डिपार्टमेंट है ना, गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे हैं सारे, वो अगर इंसाफ वक्त पर दे रहे होते, लोगों को रिलीफ दे रहे होते, हर शहरी को उसका हक दे रहे होते, तो लोग अदालतों में ना आते। अगर कोई जाति केस लेके आता है तो फिर वो गवर्नमेंट भी उसमें फरीक होती है, पार्टी होती है। तो मैं गवर्नमेंट के इदारों की बात कर रहा हूं, मैं अदालत की बात नहीं कर रहा था। ये ना जो ना होती है कहीं ना कहीं सिस्टम में, कहीं ना कहीं कमी होती है, और जब सिस्टम में कमी होती है तो फिर लोग अदालत का रुख करते हैं। नहीं तो अदालत के रुख की जरूरत ही पेश नहीं आनी चाहिए। अगर जो जो आपका किसी भी देश का एडमिनिस्ट्रेशन है सर, अगर वक्त पे आम लोगों की जनता की बात को सुन ले सर, तो सर, सर, तो उसको, सर उसको अगर मिसाल के तौर पे जो पुलिस डिपार्टमेंट है, चाहे वो आपका है चाहे हमारा, जो कहीं का भी है, किसी के साथ जुल्म हुआ है, जोर जबरदस्ती हुई है, अगर वो उसको इंसाफ दिला देते हैं, एफआईआर काट देते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं, तो उसको क्या जरूरत है कोर्ट जाने की? और तो उसकी सुनी नहीं जाती, उसकी एफआईआर ही नहीं होती। तो सर, तो फिर वो लोग तो कोटी सर, मेरा देखिए, चले आप उसी पे आ गए, मतलब हम मतलब किसी को नीचा ऊंचे दिखाने की बात नहीं करें। मैं बार बार, मेरी आदत है, मैं क्लियर करता रहता हूँ कि लोग माइंड ना करें। सवाल सर यहाँ ये पैदा होता ना कि अगर हुकूमत चाहती तो गुलाम हैदर का ये मसला अदालत जाता ही नहीं, हुकूमत चाहती, वहां के लोग चाहते तो फौरी तौर पर उसको इंसाफ मिल जाता, क्योंकि सबको पता है कि गलत है ये, सबको पता है कि डिपोर्ट होता है ऐसा बंदा, सबको पता है कि जुल्म है, ज्यादती है, धर्म परिवर्तन से लेके शादी निकाह और बच्चों को आज तक रखने के हवाले से। तो वो तो उस हुकूमत के अपने काम है, जरूरी थोड़ी कि अदालत जाके फैसला करेगी। अदालत में जब मामला सरकार लेके जाती है तभी अदालत में जाता है ना सर, सरकार खुद फैसला ले ले तो अदालत बीच में कैसे मुदाखलत कर सकती है? थोड़ी सी कमी, हाँ देखो मैं मानता हूँ ये बात, देखो थोड़ी सी कमी क्या है कि गुलाम हैदर की सरकारी रही, क्योंकि देखो गुलाम हैदर ने जो भारत में जो कार्रवाई शुरू की वो गालिबन 1.25 साल गुजरने के बाद की। तो जब तक सीमा ने पैर जमा लिए भारत में और मीडिया का उसको सपोर्ट मिल गया, क्योंकि मीडिया को तो मसाला चाहिए, उसको तो टीआरपी चाहिए, और अगर उसको उसको कोई व्यक्ति पाकिस्तान का आके अपने ही देश को गाली देने लगे तो उससे बढ़िया मसाला क्या चाहिए उसको? और क्या चाहिए? बिल्कुल, वो तो सूट कर रही है उनको, तो टीआरपी बड़ी, हाँ टीआरपी एक नंबर पे जाएगी। तो गुलाम हैदर ने जो क्लेम किया वो 1 साल के बाद जो क्लेम किया वो सबसे बड़ा कारण है। अगर गुलाम हैदर सही टाइम पे हमारी भारत सरकार के सामने अपना क्लेम रख देता, भारत सरकार के सामने अपना केस रख देता, तो भारत सरकार हमारी ऐसी बेहतरीन और अच्छी सरकार है, वो हर किसी की सुनती है। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, वो बहुत ही संजीदा आदमी है और वो सच और झूठ और गलत और ठीक को समझते हैं। अगर वो गुलाम हैदर उनसे रिक्वेस्ट करता, कोई लेटर भेजता गृह मंत्रालय को, हमारे प्रधानमंत्री कार्यालय में कोई लेटर भेजता, तो इसके जरूर सुनवाई होती। लेकिन अब मामला अदालत में जा चुका है तो सरकारें कुछ भी नहीं कर सकती। आपकी हमारे बात देश की सरकार जब तक अदालत का फैसला, क्योंकि तो हमारे देश के अंदर जो न्यायिक प्रोसीडिंग है, जो न्यायिक तंत्र है, जो लीगल प्रोसेस है, जो न्यायालय है, जो कोर्ट्स है, जो अदालतें हैं, वो अलग है और सरकारों के काम जो है वो अलग है। हमारी अदालतें ना तो सरकार के काम में इंटरफेयर करती हैं और ना हमारी सरकार हमारे न्यायालयों में इंटरफेयर करते हैं, अपना अपना काम बटा हुआ है। हमारे भारत की जो जो काम करने का जो तरीका है वो 3 तरीके से बटा हुआ है। सबसे पहला तो प्रजातंत्र के अकॉर्डिंग जो लोग चुनाव के द्वारा चुनाव जीत कर हमारी संसद में जाते हैं, हमारी पार्लियामेंट में जाते हैं या हमारी लेजिस्लेशन में जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं, चुने गए लोग वो कानून को बनाते हैं, विधायिका बोलते हैं जिसको, लेजिस्लेचरी, जी जी लेजिस्लेचर, जो जो विधायिका लेजिस्लेचर जो कानून बनाता है, जो लोगों के द्वारा वोट के द्वारा जो लोग चुने जाते हैं और वो पार्लियामेंट में पहुंचते हैं, जिसमें मिनिस्टर होते हैं, MNA, MP वगैरह आपके यहाँ भी बोलते हैं,
वो देश के कानून को बनाते हैं जी सर, देश में कैसा कानून हो क्या है, और वो सरकार को चलाते हैं, सरकार के सिस्टम को चलाते हैं, नंबर वन वो। दूसरा जो है न्याय तंत्र जुडिशरी, वो जो कानून लेजिस्लेचर ने जो कानून बनाए हैं उन कानून की अगर कोई वायलेशन करता है तो सजा का प्रावधान वो कानूनी तंत्र द्वारा वो डिपार्टमेंट, लीगल डिपार्टमेंट जुडिशरी वो देखती है। तीसरा है एडमिनिस्ट्रेशन, जो किसी भी देश को चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होता है जिसमें एसडीओ एस और डीसी डीसीपीओ एसपीओ एसडीएम तमाम अधिकारी आते हैं जो सरकार को चलाते हैं, जो सरकार के नियमों को लागू करते हैं, जिनके हाथ में पावर होती है। तो ये तीन सिस्टम हमारे भारत में हैं, लेकिन तीनों सिस्टम एक दूसरे के काम में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते, और अदालत के काम में तो कोई ना एडमिनिस्ट्रेशन इंटरफेयर कर सकता है ना लेजिस्लेचर इंटरफेयर कर सकता है। हाँ, अदालत में अगर कोई केस आता है लेजिस्लेशन के खिलाफ, किसी मेंबर के खिलाफ, किसी पर्टिकुलर मेंबर, पूरी विधायिका के खिलाफ नहीं, क्योंकि वहां सेटअप है विधानसभा है, पार्लियामेंट है, वो अपना उनका अपना काम है, लेकिन उनके फैसले के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में हम चैलेंज किसी भी मामले को कर सकते हैं। ऐसा जो हमारा लीगल प्रोसेस है वहां पर कोई इंटरफेयर नहीं, और सरकार के काम में कोई इंटरफेयर नहीं। तो गुलाम हैदर का जो मामला है वो अब सब जुडिस है, जो सीमा हैदर वाला मामला है गुलाम हैदर की वाइफ का, तो जब तक चार्जशीट नहीं आ जाती, चार्जशीट आने के बाद कोर्ट भी क्या करेगा, जब तक चार्जशीट नहीं आई कोर्ट क्या करेगा बताओ। तो ये चार्जशीट सबसे पहले पुलिस डिपार्टमेंट का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। मैंने लिखा है उत्तर प्रदेश सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा है कि जल्दी से जल्दी चार्जशीट पेश करें ताकि हम ट्रायल चला के इसको सजा दिलवा सकें, लेकिन चार्जशीट नहीं आ रही। उम्मीद है जल्दी, अगर चार्जशीट नहीं आई तो मैं कोशिश कर रहा हूं इस केस को उत्तर प्रदेश से हरियाणा में ट्रांसफर कराऊंगा।